आज की खबर है खास कंगना रनौत और ऋतिक रोशन को लेकर। जी हाँ, जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा कि पिछले जो दिनों, पिछले काफ़ी समय से कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच में एक तकरार चल रही है, एक वॉर चल रही है, और दोनों को अक्सर, दोनों को तो नहीं कह सकते पर ज़्यादातर कंगना रनौत को ऋतिक रोशन के ऊपर तंज कसते हुए कई बार देखा गया है। और वही ऋतिक रोशन ने भी मीडिया के सामने कंगना रनौत को लेकर अपनी बात रखी है। अब इसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में जहाँ माहौल ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा था, वहाँ इस बीच एक और तकरार होनी शुरू हो चुकी है। क्या ही है स्टोरी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। स्टोरी के अगर बारे में बात की जाए, सबसे पहले आपको बता दें कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बारे में, तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप था ये खबरें किसी से नहीं छुपी थी। और बाद में जो इन दोनों के बीच में तकरार हुई, इन ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच में, और काफ़ी सारी बातें सामने आई थी मीडिया में, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई थी सामने और काफ़ी तरह तरह की बातें निकल कर सामने आई थी, उसके बाद से मामला ठंडा पड़ता चला गया था। लेकिन अब फिर से दोबारा ये मामला सामने आता दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में तकरार होने जा रही है। जी हाँ, अभी तक हुई नहीं है पर यह कन्फर्म हो चुका है कि इन दोनों के बीच तकरार होगी। हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की फिल्मों के बारे में। जहाँ कंगना रनौत की फिल्म मेंटल है क्या 26 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, तो वहीं ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड फिल्म सुपर 30 वो भी 26 जुलाई को रिलीज़ होने जा रही है। अब ऐसे में ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश करने जा रही हैं और इस फिल्मों से दोनों ही एक्टर और एक्ट्रेस क्लैश एक साथ आमने सामने होने जा रहे हैं। वहीं इससे पहले खबर आ रही थी कि ऋतिक रोशन ने अपनी जो फिल्म है सुपर 30 उसको पोस्टपोन कर दिया है। उनकी फिल्म सुपर 30 अब 26 जुलाई को रिलीज़ नहीं होने वाली है, फिल्म को आगे खसका दिया गया है। लेकिन अब इसी बीच एक ऑफिशियल खबर सामने आ चुकी है कि फिल्म सुपर 30 26 जुलाई को ही जो डेट है उस दिन ही रिलीज़ होगी, फिल्म को पोस्टपोन नहीं किया गया है, फिल्म अपने तय समय से ही रिलीज़ होगी। तो वहीं कल कंगना रनौत ने भी एक नोट जारी किया था, उन्होंने एक नोट शेयर करते हुए उसमें लिखा हुआ था कि उनके जो फिल्म है मेंटल है क्या वो 26 जुलाई को रिलीज़ हो रही है और इसका कारण ये है। उन्होंने उसमें कारण भी बताया था कि वो अपनी फिल्म 26 जुलाई को क्यों रिलीज़ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके कहने पे फिल्म 26 जुलाई को रिलीज़ की जा रही है, ताकि एक बिजनेस एंगल को देखते हुए फिल्म को 26 जुलाई को रिलीज़ किया जा रहा है, क्योंकि कंगना रनौत की फिल्म अभी मई में रिलीज़ होनी थी, उसको उन्होंने अपने टाल दिया है, आगे करीब एक महीने के आसपास उन्होंने अपनी फिल्म को आगे टाला है। तो इसका रीज़न उन्होंने बताया कि फिल्म समीक्षक जो हैं और जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, वो बताते हैं कि फिल्म को 26 जुलाई को अगर रिलीज़ किया जाए तो फिल्म को एक बेहतरीन बिजनेस मिल सकता है, इस वजह से उन्होंने अपनी फिल्म को टाला है। अब जहां उन्होंने अपनी फिल्म को टाला है, वहीं ऋतिक रोशन में फिल्म आगे करने को तैयार नहीं है। अब जब दोनों बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगे तो भिड़ंत जबरदस्त होगी और देखने वाली भिड़ंत होगी कि इसमें कौन, इस रेस में कौन आगे निकलता है, कंगना रनौत या ऋतिक रोशन, ये तो समय बताएगा। 26 जुलाई को जब फिल्म रिलीज होगी, हम देखते हैं कि कौन बॉक्स ऑफिस की रेस जीत पाता है। इस फिल्म को लेकर हमारे पास कोई और अपडेट आएगी तो हम आपके भी जरूर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।